अगली खबर जांजगीर चांपा से, जहां सैकड़ों महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी हुई है। लोन दिलवाने के नाम पर महिलाओं से ठगी का आरोप लगा है। मैक्स कंपनी पर ठगी का आरोप लगा। फाइनेंस योजना के नाम पर महिलाओं को जोड़कर ठगी यहां पर की जा रही थी और कंपनी पर लोन की राशि बैंक से निकालने के भी आरोप लगे हैं। तो वहीं महिलाओं ने जिला कार्यालय में अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है जांजगीर चांपा से, सैकड़ों महिलाएं जिनसे करोड़ों की ठगी की गई है और ये सभी महिलाएं इकट्ठा भी हुई। लोन दिलवाने के नाम पर इन महिलाओं से ठगी के आरोप लगे हैं। फ्लोरा फाउंडेशन मैक्स कंपनी पर यह आरोप लगाए कि उन्होंने महिलाओं के साथ ठगी की है। तो फाइनेंस योजना के नाम पर महिलाओं को पहले तो जोड़ा गया और उसके बाद यहां पर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। इस कंपनी पर लोन की राशि बैंक से निकालने का आरोप भी लगा है, जिसके बाद महिलाएं जिला कार्यालय पहुंची और अधिकारियों से पीड़ित महिलाओं ने इस पूरे मामले की शिकायत की है। हमारे से ना ये लोग गाली सजा ली है, 2000 बीमा का काटे, 10000 हम लोग को साथ में दिए और 30000 जमा की जिसका आईडी बना के हम लोग को दिए। उन लोग सबूत हमारे पास आईडी बना के दिया, वो सबूत है। कोई सर लोग दिए थे टोला वाले, तो उसके बाद में फिर हम लोग को पैसा ले लिया, उतना सामान हम लोग नहीं लाए की टोला में। एक नाम के एक ठो कंपनी रही से और आई से और बोली से कि एमा महिला मन ल रोजगार दिए जाही, अगर एक महिला ल 30300 देहे पर पड़ी और मगर 10 जन हो गए तो 10 के समूह में एक ठो दुकान पास किए जाही, दुकान में पूरा सामान रखे जाही और ओला बेच के आप मन आत्मनिर्भर बन सका था बोले रही से। और 30000 पैसा कहाँ से आई भैया बोले, तो बिजनेस बस सब लोन लेते, तू मन लोन लेके देवा कही। ए लोन ला फिर सब लेडीज मन मिल के दे है, जैसे कि मोर पीछे 10 लेडीज है तो इसने 10 लेडीज के पीछे और 10 लेडीज है ना। फ्लोर में सब पसंद जो गाड़ी सब है वगैरह बैंक से पसंद निकलवा से जमा कर, फ्लोर में जमा कर, फ्लोर में से करना है 30000 जमा करो, हर महीने 2700 हम आपको देंगे ऐसा बोल रही से, और सबको रोजगार देंगे ऐसा बोल रही से। लगे ऐसा कुछ नहीं हुई, हमारे साथ पूरा धोखाधड़ी हो गया, 2 महीने कोई पेमेंट नहीं करे, वही नाम से सब वो बैंक वाले में आया कि सब चमका था भाई कि पैसा दो ऐसे किए। अनिता साहू है, मैं ग्राम पिसौ से हूँ और हमला फ्लोरा मेक्स कंपनी से पूरी तरह ठगे गए है वे। एमा 30000 के हमला पैसा लोन लेके मंगवाए गए है, ओकर बाद हमन की किस्ती ला 2 साल तक छूटा करके वादा कर रही से और ना तो हमला किस्ती छूटा थे। हमन सब महिला बहुत परेशान है, सब बहुत पीड़ित हैं भाई। फ्लोरा कंपनी में पैसा डाले थे हम लोग और बैंक वाला आया कर परेशान कर रहे हैं और हम लोग का पूरा जीना हराम करके रखे हैं और गांव वाला भी बोल रहे हैं, वो तो सभी का जोड़े हैं उसी को बोलेंगे ना, तो मैं ही जोड़ा हूँ सभी को, तो सभी लोग मेरा घर में आया कर बोल रहे हैं। मोर नाम प्रीति सोनवानी है, मैं गांव मदनपुर से आए हूँ और मोर साथ में पूरा जांजगीर चांपा जिला के पूरा सब दीदी मन आए हैं, पूरा क्षेत्र है तदुर के मन। हम ऐसे ठगी के शिकार हैं भैया कि जब एक कंपनी हम सुने तो अच्छा लगी सामान ला कि अच्छा है रे, सामान भी दे था भाई ऐसे करके, तो एक जने 30000 देवा बोलिस, तो 30000 हमन देहन और वह बोलिस कि हमन ला तुमन ला 24 महीना ले 2700 दहा कहिस, तो 30000 हमन देहे हन तो 24 महीना ले वाला 2700 गुणा करके देखा तो 2700 लो 24 में 64800 होते। उसने मैं सब दीदी बहनी मन ला कहे हो कि तुहु मन एमा जुड़ जावा, तुहु मन दू पैसा पहिया दीदी हो, लेकिन वो सामान कोई ला दे, सामान सब कोई ला नहीं दे है। सामान कहे कि हमन ग्रामीण क्षेत्र के हैं, सब कोई खेती किसानी करते हैं तो बहुत कम लाए हैं हमन सामान नहीं लाए हैं, लेकिन अब वह कहा था भाई बैंक वाला है कि हमन के किस्ती अब तुमन देवा, अब हमन तो वहाँ दे हमन, अब हमला किस्ती नहीं मिला था तो हम कहाँ ले लें, क्या हमला इंसाफ चाहिए। हमन कलेक्टर ऑफिस अभी आए हैं जन दर्शन के लिए, तो हमन ये चाहत हन भैया कि हमार जो समस्या है ओकर पूरा के पूरा समाधान करे, या तो फिर बैंक लोन माफ करावा या तो फिर हमार किस्ती पटावा। सब महिला कतेक पैसा ले हवा? हमन महिला मन एक एक महिला मन 7-8 10-10 बैंक से ले हन सर, और पूरा हमन जो माइक्रो फाइनेंस बैंक से लिए हन और फ्लोरा में एक समय सब डाले हन हम। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ नर्मदा घोसले हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम करुक करेंगे। आखिर इन महिलाओं को पता कैसे चला कि वो ठगी का शिकार हो गई है और कब से इस ठगी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था? क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है नर्मदा?
तो चलिए एक बार फिर से बता दें, जांजगीर चांपा से खबर है, सैकड़ों महिलाओं से करोड़ों रुपए की यहां पर ठगी की गई, जिसके बाद महिलाओं ने इसकी शिकायत की है। ग्वालियर के